हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश बसी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 11th ऑफ जून को यानी कि कल मार्केट पे क्या खरीदे क्या बेचे। गाइस, मैं आपके लिए हर दिन 5 स्टॉक्स लेकर आता हूँ जिसमें से मैं आपको बताता हूँ आपको क्या खरीद के चलना है, क्या बेच के चलना है इंटरडे बेसिस के अंदर, और आप अच्छा खासा फ़ायदा उसमें उठाते हैं। गाइस, जैसा कि आपको बताया गया था, आपको अपनी मैंने पिछली वीडियो में 3 स्विंग ट्रेड्स बताए थे इस हफ्ते के लिए, जिसमें से मैंने सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस बताया था। आपको मैंने बता दिया था कि बजाज फाइनेंस अच्छा खासा ऊपर जा सकता है और उस लेवल से ही शॉर्टिंग पोजीशन हम इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरी उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपने अराउंड 100 पॉइंट्स अर्न करे होंगे बजाज फाइनेंस के अंदर आज के अंदर अंदर ही। सो गाइज, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके और वहाँ पर आपको अच्छे से सब पता चल जाएगा। उसमें से जो दूसरा स्टॉक था वो था बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स हम कह सकते हैं अभी उसमें आज गिरावट नहीं आई, पर अगर आप 3-4 दिन के लिए उसे होल्ड करके रखते हैं तो शायद उसमें गिरावट आ सकती है जिस तरीके से टेक्निकल्स इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर हम लास्ट स्टॉक की बात करते हैं जो मैंने आपको दिया था, वो था लार्सन एंड ट्यूबो। तो गाइज, उसमें एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो गाइज उसकी वजह से वो पर्टिकुलर काउंटर जो था वो बड़ा था आज। हमने देखा था वो अपने हाई से भी जो खुलते ही अपने हाई में गया था, उसके बाद दोबारा हमने देखा वो नीचे आ गया। सो गाइज, उस पर हम दोबारा शॉर्ट पोजिशंस को इनिशिएट कर सकते हैं जैसे वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ वाइंड अप हो जाएगी मार्केट से। सो अब गाइज, हम कल की बात करते हैं, कल कौन से 5 स्टॉक्स हम इंटरडे बेसिस के अंदर बाय कर सकते हैं। इसमें से कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो आप थोड़े टाइम या 2-3 दिन के पर्पज़ से भी होल्ड करके चलेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगी। आज हमने मार्केट को ऑब्जर्व करा तो हमने मार्केट को देखा कि मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ऊपर खुली, उसके बाद नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। और गाइज, उसमें देखा हमने बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली, पर बैंक निफ्टी ने एक क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट लेके वहाँ से बाउंस कराया जो चार्ट्स में इंडिकेट कर रहा है एक अच्छी बात है, यानी कि 30,900 का लेवल। 30,900 लेवल के आसपास गया, वहाँ से उसने बाउंस करके हमने देखा ऊपर के लेवल्स दिखाए, उसके बाद वो 30,900 के नीचे नहीं गया, बस एक ही बार गया था। उसके बाद हमने देखा कि 31,000 के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी। सो हमने देखा कि बहुत अच्छी बात है, पर अभी भी कल के मार्केट पे आपके लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ मैं बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड करके चलना है। और बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक हाल ही चार्ट के अंदर पीनेट फॉर्म पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कि एक पॉजिटिव फॉर्म है और इससे आपको हाई लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, पहले स्टॉक्स की बात करते हैं। 5 स्टॉक्स जो आपके लिए लेकर आए हैं, उज्जीवन, बाटा इंडिया, माइंडट्री, मदरसन सुमी, अदानी इंटरप्राइजेस। उज्जीवन में आपके लिए दोबारा लेकर आया हूँ, एक बार मैं अपनी पिछली वीडियो में भी लेकर आया था और इसमें मैंने अराउंड आपको 14-15 पॉइंट्स का टारगेट दिया था और वो हमें बहुत अच्छे तरीके से इंट्राडे बेसिस के अंदर अचीव हो गया था। अगर हम इसके लॉट साइज़ की बात भी करें तो 1600 समथिंग का इसका लॉट साइज़ है और आप समझ सकते हैं 1600 × 16 करके देखिएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें अपने आप पता चल जाएगा। और ये शुरुआत खुलते ही नहीं गिरा था, ये बहुत अच्छे हल्के हल्के नीचे गिरा था और आखिरी में इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई। उज्जीवन मेरे लिए अभी भी शॉर्ट है, मैं उज्जीवन में देख रहा हूँ कि उज्जीवन में बाइंग पोजीशंस इनिशिएट होती हैं इंट्राडे बेसिस के अंदर, वो गिरने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि जैसी मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करता है उज्जीवन भी साइड बाई साइड उसकी मार्केट के साथ रिकवर कर जाता है। सो ये थोड़ा एक रिस्की काउंटर बन जाता है हमारे उज्जीवन के लिए अगर हम इसमें ऑप्शन में ट्रेड करें या अगर हम इंट्राडे बेसिस में कन्फ्यूज़ हो जाएँ, तो इसलिए मैं उज्जीवन को पोजिशनल ही सेल रखना चाहूँगा। अगर हम उज्जीवन की बात करें तो 347 का करंट मार्केट प्राइस है, तो मेरे हिसाब से 350 का लेवल ब्रेक होना चाहिए था, उसके हिसाब से ही मैं उज्जीवन को शॉर्ट की पोजीशन में इनिशिएट करता, वरना मेरे लिए तो हायर लेवल से ही उज्जीवन में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट है जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। स्टॉप लॉस आपको 354 का मेंटेन करके रखना है, 0.5 टारगेट, जो लास्ट टारगेट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 332 का है। अगर 345 या अगर 342-341 का लेवल ब्रेक करती है उज्जीवन, तो नेक्स्ट टारगेट जो इंट्राडे बेसिस के अंदर ही मुझे लगता है जो अचीव हो सकता है वो 332 का है। बाय चांस अगर 332 का भी टारगेट जो है वो उस रेंज को भी ब्रेक कर देती है तो और लोअर लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं उज्जीवन के लिए, पर लास्ट टू लास्ट टारगेट है 332। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया में एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो कि 1405 का लेवल है। 1405 के लेवल से उसने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन करने की उसने बहुत अच्छे से कोशिश करी। जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 1420,
मुझे लग रहा था जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है ये बार्टेंडिया नीचे गिर सकता है, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को इसमें अभी अपनी पोजीशन नहीं दी, पर मैं आप ज़रूर दूंगा। सो इसमें 1420 का करंट मार्केट प्राइस है। सलाह यही रहेगी कि अगर आपको 1411 या 1400 के जितनी आसपास मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो आया उसके बाद थोड़ा बहुत ये अपने उस लेवल से आएगा, लेवल के पास आएगा जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि 1400 के आसपास आने की कोशिश करेगा और हम लोगों को बाइंग पोजिशन इनिशिएट कराने की कोशिश करेगा। तो जैसे आपको 1400 के आसपास मिलता है ये पर्टिकुलर काउंटर बाटा इंडिया, सो आप इसमें कॉल ऑप्शन लेकर भी चल सकते हैं या अब इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ, ये मैं एक हफ्ते तक का टारगेट बता रहा हूँ, 1456 का हाइयर टारगेट है जो मुझे लगता है कि बाटा इंडिया के अंदर अचीव हो सकता है। माइंट्री बाय करने की ही सलाह दी जाएगी आपको इस पे। आज हमने देखा था आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा खासा आउट परफॉर्म करा था, 983 991 के टारगेट के साथ आप माइंट्री को बाय करके चल सकते हैं। हमने इसमें देखा है कि जो आईटी सेक्टर है वो अपने सपोर्ट से अब हल्का हल्का उठने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है अब यहाँ से आईटी सेक्टर है जो इस पर्टिकुलर वीक के अंदर आउट परफॉर्म करके दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 967 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइस ये मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल मार्केट हो रही है, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए हमें स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर मेंटेन करके रखना पड़ेगा और ट्रेड भी बहुत केयरफुली ही ट्रेड करके चलना पड़ेगा। मदनसन सुमी की बात करें तो मदनसन सुमी में एक फ्रेश बाइंग पोजीशन में इनिशिएट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि मदनसन सुमी में 120 के लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग हम इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 125। सो इंट्राडे बेसिस के अंदर मैं आपको यही सलाह दूंगा, 125 टू 125 के टारगेट्स आप इंट्राडे बेसिस के अंदर मदनसन सुमी में अचीव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 116.80 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा मदनसन सुमी के अंदर। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर और अब वो वहाँ से एक हम देख रहे हैं कि जो उसने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले तो उसने अगर 50 पॉइंट्स की करेक्शन दिखाई है, सो वो अपने मिड 50 तक परसेंट तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो 25 रुपये तक रिकवर करने की कोशिश करेगी और वहाँ से हम फिर अपनी नई पोजिशन के बारे में सोचेंगे। सो मुझे लगता है कि 125 to 131 तक इसमें जाने की कैपेसिटी मुझे लग रही है जिस तरीके से मुझे फिबोनाची और चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं। अदानी इंटरप्राइजेस को मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा, 147.80 145 के टारगेट्स आप अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर अचीव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 153 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए एक ऑप्शन कॉल लेकर आया हूँ। ऑप्शन कॉल आपको इनिशिएट करनी है कब, जब आपको दिखे कि जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो 31,080 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, थोड़ी देर 15-20 मिनट अगर सस्टेन करने की कोशिश कर जाता है, 31,080 के लेवल के ऊपर की बात हो रही है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर जाता है तो आप इस कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, जो कि है 31,300 का कॉल ऑप्शन। 13 जून के लिए आप इसे बाय करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 150 to 180। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना पड़ेगा 70 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइस अगर ये 31,300 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है और अगले दिन भी उसके ऊपर 1 से 1.5 घंटा सस्टेन कर जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो मुझे लगता है बैंक निफ्टी का होगा वो होगा 31,760 का टारगेट, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये एक पीनेंट पैटर्न फॉर्म कर चुकी है, तो ये एक रेंज के अंदर है 30,900 to 31,760 का। हमने देखा है वहाँ से एक बाउंस तो मिला है पर एक जो बीच में एक क्रूशियल रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो है 31,300। सो आपको सलाह यही दी जाएगी 31,300 का आप कॉल ऑप्शन बाय करके चलिए। अगर आपको टारगेट्स अचीव हो जाते हैं और ये लेवल अचीव हो जाता है इंटरडे बेसिस के अंदर, सो आप अपनी पोजीशन को वहाँ से एग्जिट कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है या फिर अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट डे आपको लगता है कि उसके ऊपर ही चल रही है, सो आप 31,700 का भी कॉल ऑप्शन दोबारा बाय करके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए, या फिर मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो जो मैं बनाता हूँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोई भी पर्टिकुलर चेंज करूँ या स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बहुत हेल्पफुल रहूँगा आपके साथ। आपको अगर लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वीकली स्ट्रैटेजीज लेकर और आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरी पुरानी वीडियोज़ जो भी मैंने डाल रखी हैं अभी तक 2-3 दिन में, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आप बहुत अच्छे खासे फ़ायदे में जाके अपनी मार्केट से एग्जिट करेंगे।
और जो मैं आपके लिए चैनल लेकर आया हूँ ये चैनल आपके लिए ही है। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।